मैं अंजलि गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे लहसुन सेव मसाला वाली कैसे बनाते हैं, देखते हैं। आधा किलो बेसन लिया है, 3 चम्मच तेल लिया है गरम करके, फिर हम बेसन में डालेंगे। 2 गाठी लहसुन लिया है, लहसुन को पानी डाल के मिक्सी में पीस लेना है। और अजवाइन 2 चम्मच अजवाइन लिया है, 2 चम्मच जीरा और 3 चम्मच मैंने मिर्ची पाउडर लिया है और स्वादानुसार नमक। मिर्ची पाउडर आप कम ज़्यादा कर सकते हो। सबसे पहले हम इसमें मिर्ची पाउडर, जीरा को हमने कच्चा ही मिक्सी में डाल के पीस लिया है और अजवाइन, इसका पानी कर लेंगे और बाद में हम बेसन में डाल के इसे अच्छे से मलेंगे। उससे क्या होगा, हमारे जो मशीन है इसमें से ये निकलना चाहिए, ये छोटे छोटे छेद है ना, उसमें से हमारा अच्छे से निकलना चाहिए, इसलिए हम इसे छान लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम छानेंगे। इस तरह से मैंने सारा पानी छान लिया है। इसे आप किसी सब्जी में वगैरह आप यूज कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं। इसमें मैं नमक डाल के रखती हूँ, स्वादानुसार आप नमक डालिए। अभी मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम करने के लिए रखा है। ज़्यादा नहीं लेना है, 3 चम्मच ही मैंने तेल लिया है, टीस्पून। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अभी इसे हाथ से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, फिर हमने जो पानी छान के लिया है ना, तो उससे हम गूथेंगे इस तरह। थोड़ा थोड़ा करके आप डालिए। बहुत ही अच्छी ये सेव बन जाती है, बहुत टेस्टी बन जाती है। हमारा आटा इस तरह हो जाना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, कड़क भी नहीं होना चाहिए। अभी हम इसमें तेल लगा के लेते हैं ताकि हमारा आटा इसमें चिपके ना, इस तरह। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके भरेंगे। और डायरेक्ट हम इसमें कढ़ाई में इसमें डालेंगे। हमारा तेल गरम हुआ कि नहीं एक बार देख लेते हैं। थोड़ा और होने देते हैं इसे, आप चेक कर लीजिएगा, कभी कम तेल गरम रहा
तो इतना अच्छा होता नहीं है, प्रॉपर तेल गरम होना चाहिए। हमारा तेल अच्छे से हो गया है, मालूम पड़ता है। और इस तरह से दबाते हुए आप करिएगा और थोड़ा ये बुलबुले कम हो जाए फिर टर्न करना। बहुत ज्यादा जलाना भी नहीं है सेव को। बहुत अच्छी सेव बनी है, एक बार मैं और आपको दिखाती हूँ। अच्छे से होने देना इसे, अच्छे से नीचे से, बाद में टर्न करना। बहुत सिंपल है बनाना। आपको मैं बताती हूँ, बहुत अच्छी बन जाती है ये, बहुत क्रिस्पी बन जाती है, टूट जाती है। अभी मैं बाकी का बना लेती हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पे आ जाएगा। Thank you.